उसके प्रणेता हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के भी सम्माननीय अध्यक्ष और इस काव्य यात्रा के काव्य यात्रा को प्रारंभ करने वाले लंका से मेरे साथ खड़े हैं श्रीमान जगदीश जी मित्तल, जो इस यात्रा के सर्वे सर्वा हैं और उन्हीं के सब प्रयास से मैं भी अगर यहाँ हूँ तो उन्हीं के आदेश के ऊपर यहाँ आया हूँ। बेसिकली ये यात्रा हिंदुस्तान के जन जन को, जो जो लोग उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, त्रस्त हैं, जो बहिष्कृत हैं, उनको सम्मान मिले, हर सरकार दे, ये इसका प्रयोजन। गोंडा जनजाति के लोगों का नहीं, केवल ट्राइबल पूरे वर्ल्ड में या पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी है उनका कल्याण होना ही चाहिए, आवश्यक है। मेरा नाम साखी गोपाल पंडा है, इस राष्ट्रीय कवि संगम का प्रांतीय प्रभारी, उड़ीसा प्रांत का प्रभारी हूँ और वास्तव में मेरा रहना छत्तीसगढ़ रायगढ़ में होता है। और आज श्रीराम वनगमन पथ काव्य यात्रा, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बन गई है, श्रीलंका से ये शुरुआत हो रही है इसकी। श्रीलंका से 1 तारीख, जो कि शिवरात्रि का दिन था, उस दिन कार्यक्रम यह शुरू हुआ है, यात्रा शुरू हुई है। वहाँ से रामेश्वरम और रामेश्वरम से महाराष्ट्र होते हुए आज छत्तीसगढ़ के बाद मलकानगिरी उड़ीसा। तो मलकानगिरी के जगह पर हमने ये सीताकुंड का पुण्य पवित्र स्थान चुना है, यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। आज आदरणीय राज्यपाल महोदय उड़ीसा प्रांत के आ रहे हैं और इसके साथ में हमारे राष्ट्रीय कवि संगम संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महामंत्री, ये सभी कार्यकारिणी के सदस्य भी आएंगे यहाँ पर। हमारे एटी हमारे अभिशप्त बंडा जनजाति को देखापी ये जो महामय राज्यपाल आसी आज हमको बहुत खुशी लगला। ये जो सीताकुंड जोबले पदार्पण माने देखा आसिले ये अंचलटा बा ये जो सीताकुंड आमाकुंड दामलदी आउ बाड़ बोल अच्छी अंडराल पाखे विस्तीर्ण पड़िया से बाड़ी युद्ध होता एगुड़ाक बहुत तीर्थस्थान अच्छी देखा मानने रामायण तेरे लेखा यहाँ राम वनगमन स्थानी तेणुक आसवर देखा बहुत खुशी लगला। मु स्वतंत्र भाव ये जो उन्नतिमूलक कार्यपाई आमर जनजाति हूँ कि ये जो तीर्थ केत जगह रखाई निजे मुझे लिखिक देसी स्वास्थ्य शिक्षा आउ सब दिगरे उन्नति करवाई लिखिक अभियोग पत्र दिखाई निश्चित भाव से जिते मोर जो आवश्यक पड़ो से आसिक साक्षात कले निश्चित भाव तुम कम मुझे आगे नेबी।